आज की सुबह मेरी मेहंदी लगाने से स्टार्ट हो रही है और आज मैं मेहंदी लगा रही थी और थोड़ा बहुत घर का काम करके फिर मैं चली गई बेकरी, और बेकरी से मैं केक लेने गई। आसिफ साहब की आज बर्थडे है तो आज मैं एक बेकरी से केक ले आई हूँ। और मैं और शहजादी केक पसंद कर रहे थे और फाइनली हमने चॉकलेट केक पसंद किया, ब्राउन चॉकलेट केक। और ये चॉकलेट केक पसंद किया, उस पे लिखवाया शहजादी ने पापा, हैप्पी बर्थडे पापा पापा। पापा की बर्थडे के लिए बलून फुला रही हैं। पापा की बर्थडे के लिए मम्मा इतनी एफर्ट्स कर रही हैं। हाँ मम्मा, आपको गुब्बारे फुला के कैसा लग रहा है? बचपन याद आ जाते हैं, गुब्बारे फुलाते हैं। ये देखें। ये लो गिटार बना जी। आज आसिफ साहब के बर्थडे में सारे बलून मैंने फुलाए थे और छोटी सी खुशी की और इतने सारे बलून फुलाए। और इनके लिए मैं कुछ चीज़ें लेके आई, कुछ निम्को लेके आई और ये कैंडल्स जलाई थी मैंने। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको इंसान संजोता है और एक दूसरे से प्यार का इजहार करता है। गिफ्ट भी लेके आई थी मैं और परफ्यूम लेके आई थी, कुछ दिन पहले लेके आई थी परफ्यूम, और फिर मैंने ये इनको दे दिया था। और मैं केक भी लेके आई थी, जैसा कि मैं बेकरी गई थी तो आपको मैंने शेयर किया। और मैं ब्लू रिबन का केक लेके आई थी और शहज़ादी ज़ैनब की पसंद से लेके आई थी, तो शहज़ादी ज़ैनब ने पापा लिखवाया था इस पे। और ये छोटी सी प्यारी सी खुशी थी जो आसिफ साहब ऑफिस से आने वाले भी थे और टाइम हो गया था, तो शाम को हमने तैयारी करके रखी थी ताकि फिर ये केक भी काट सकें, क्योंकि फिर चाय का भी टाइम होता है साथ साथ, और फिर हमें जाने की भी तैयारी करनी थी आज। तो बस ये सारी चीज़ें हमने ड्राइंग रूम में हमारे सजा ली थी और वेट कर रहे थे आसिफ साहब का। और फिर आसिफ साहब भी आ गए तो खुश हो गए देख के, और जो मुझसे हो सकता है मैं कर देती हूँ। शहजादी ज़ैनब का इसमें बहुत हाथ होता है क्योंकि ये हिम्मत और जो हौसला दिखाती है कि मामा ये कर लें ये कर लें चलें साथ, और मुझे घर से भी निकालती है हौसला दे के और हिम्मत दे के। और बस ये केक की तैयारी हो गई थी, टेबल लगा दी थी मैंने शाम को चाय के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह आपकी, और अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत के साथ अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आपका साया हमारे सर पे कायम रखे, और आपने जो भी हमारे लिए अभी तक किया है उसके लिए भी सारा थैंक्स। और ये छोटी सी मेरी काविश है जो मैं केक लेके आई हूँ धूप में जाके, और ये छोटे से थोड़े से बलून है जो मैं लेके आई हूँ, और ये गिफ्ट है मेरी तरफ से आपको। इसमें परफ्यूम है, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती जाहिर है, और ये परफ्यूम है आपके लिए, बता दीजिए दिखा दीजिए। और ये परफ्यूम मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले लेके रखा था आपके लिए, और तो मैंने कहा आपको ये दे दूंगी, और बर्थडे में जो हो गया बर्थडे तो बर्थडे में दे दिया। और आप ऑफिस में वैसे परफ्यूम लगाते हैं ना, तो ये भी हो गया एक। और अब आप केक काटेंगे और हम तालियां बजाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी हैप्पी बर्थडे शानदार तरीके से मनाई। थैंक यू। इसके लिए मैं खास करके शहजादी ज़ैनब को शुक्रगुजार हूँ कि इस टाइम के बलून, क्योंकि बलून लाना इसके बाद बलून फुलाना है उसमें बड़ी मदद होती है। और आज 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 इत्तेफाक से मैंने कभी बलून नहीं फुलाया कभी भी, हमेशा शहजादी ज़ैनब तैयार करती है, आज सारे बलून मैंने फुलाए, एक भी शहजादी ज़ैनब ने। कुछ जी, तो बस अब आप केक काटेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अप्रिशिएट किया हमें, और अब आप केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, मैं आपको पहले खिलाऊंगी, आपकी सालगिरह है तो मैं खिलाऊंगी। हैप्पी बर्थडे।
चले, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत सलामत रखे और बहुत खुशी हुई आपने केक काटा और ऑफिस से थके हुए आए थे फिर भी है ना इन्होंने जो हमने कहा वो कर दिया। और कैसा दिन निकला आज ऑफिस में आपका? चले, अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत रखे, हमारी बहुत सारी दुआएं और अल्लाह पाक हम दोनों का साथ भी आमीन इंशाल्लाह कायम रखे। चलो अब केक खाएंगे हम, एंजॉय करेंगे केक को और आप सभी हमारी खुशी में जितने भी लोगों ने मुझे देखा और खुशी में शामिल हुए आपका बहुत बहुत सबका शुक्रिया। ये देखे चमचे चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज भी एक शादी में जा रहे हैं, वो भी मेरे ददियाल में, आज वलीमा है, कल शादी में गए थे और वहाँ पे जा रहे हैं, इवेंट है, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपसे शेयर करने की। और आज आसिफ साहब की बर्थडे थी तो उसको भी सेलिब्रेट किया है और जो भी वहाँ पे भी मैं आपसे शेयर कर सकूँगी ज़रूर करूँगी, मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत सारी दुआएँ, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत है आप सबके लिए और आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। वीकेंड की वजह से बहुत रश था बाहर और हम आज वलीमे के लिए निकल गए थे और आज बहुत ही गाड़ियां, बहुत रश और बहुत धीरे गाड़ियां चल रही थी और वीकेंड होता है तो वैसे ही रोडों पे बहुत रश होता है। तो मैं आपसे शेयर कर रही थी ट्रैफिक की सूरत हाल और हम गाड़ी में बैठ के थोड़े से सॉन्ग सुन रहे थे और साथ साथ देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ये स्टेडियम रोड और यहाँ से हमारी टर्निंग हुई धुराजी जाने के लिए। ये पुराना धुराजी की तरफ था हॉल जो हमारा बैंक्वेट था वो, और ये हम मुड़ गए थे स्टेडियम रोड से। ये ऐसा लग रहा है मैं जैसे कमेंट्री कर रही हूँ। ये ऑल आ गया था और आज अम्मी भी आई थी तो बहुत खुशी हुई क्योंकि सारा अम्मी का ससुराल वहाँ पे था। तो आज मैंने हिम्मत करके अम्मी को भी तैयार करके और हम निकल गए थे और आज अम्मी भी सबसे मिली और अम्मी से भी सब मिले। और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वहाँ के मनाजर सारे। और कुछ थोड़ी बहुत लेडीज़ आ गई थी तो फिर ये जो भी मैं शेयर कर सकी। और ये शहज़ादी के हाथ में वीडियो मोबाइल था तो वो वीडियो बना रही थी और सारा वहाँ का जितना भी एवेन्यू का सो जो मंज़र था वो सब कैप्चर कर रही थी। और बहुत फिर हम डिनर किया हमने और डिनर में भी आज बहुत ज़बरदस्त डिनर था, बहुत हाई डिनर था और माशाल्लाह बहुत आज का डिनर हमें अच्छा लगा और हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया।